हेलो व्यूअर्स, आप से लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप से लोग बहुत ही अच्छे से होगे। तो अगर व्यूअर्स आप से लोग मेरे तरफ अपने फोन से इमेज को क्रिएट करना चाहते हो, वो भी बहुत ही अच्छी किस्म का, तो आप लोग बहुत ही सही वीडियो पर आए हो। व्यूअर्स, अगर आप से लोग इस प्रकार के एटीट्यूड वाला इस प्रकार का इमेज को क्रिएट कर लेते हैं, आप से लोग अपने फोन के या कहीं भी अपने सोशल मीडिया में, अपने व्हाट्सअप या फेसबुक के कहीं भी डीपी में लगाते हो, तो बहुत ही ज्यादा देखने में अच्छा लगता है। तो इस प्रकार के इमेज को क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे सर्च वाले पे टैप करके और यहाँ पे आपको लिखना है बिंग इमेज क्रिएटर। लिखने के बाद व्यूअर्स आपको इसे सर्च कर देना है। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट वाले वेबसाइट पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करते हो तो आपके पास एक नया इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो व्यूअर्स आपको मैं एक प्रॉम्प्ट दूंगा। वो प्रॉम्प्ट आपको कहाँ पे मिलेगा मैं वीडियो के अंत में बता दूंगा। तो व्यूअर्स आपको क्या करना है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना है, तभी आप सभी लोगों को प्रॉम्प्ट मिल पाएगा। तो प्रॉम्प्ट को कॉपी करने के बाद व्यूअर्स आपको यहाँ पे आ जाना है और यहाँ पे आकर आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको लॉन्ग प्रेस करना है। जैसे ही लॉन्ग प्रेस करते हो तो आपके पास यहाँ पे एक पेस्ट लिखा हुआ दिख रहा होगा, आपको इस पे टैप करना है। टैप करते के साथ ही बस यहाँ पे देख सकते हो किस प्रकार से प्रॉम्प्ट पेस्ट हो चुका है। तो आप लोग इस प्रकार से प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर दीजिएगा। इसके बाद बस यहाँ पे देख सकते हो जो कि एक नेम लिखा हुआ है, आपको क्या करना है इस नेम को हटाकर और यहाँ पे आप सभी को अपने नेम को कैपिटल लेटर में इस प्रकार से लिख लेना है। आप लिखने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो एक क्रिएट लिखा हुआ दिख रहा होगा, आपको क्रिएट वाले पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करते हो तो आपके पास इमेज क्रिएट होने लगता है। तो व्यूअर्स यहाँ पे देख सकते हो किस प्रकार से इमेज क्रिएट होकर आ चुका है, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तो व्यूअर्स आप सभी लोग इस प्रकार से इमेज को डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको किसी एक इमेज पे क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करती हो तो यहाँ पे आपका इमेज ओपन होकर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे थ्री डॉट देखने को मिलेगा, इस पे आपको टैप करना है। तो जैसे ही टैप करते हो तो यहाँ पे आपको एक डाउनलोड का ऑप्शन दिख जाता है, इस पे भी क्लिक करना है। क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एक और डाउनलोड का भी ऑप्शन आ जाएगा, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करते के साथ ही आपका इमेज आपके गैलरी में डायरेक्ट सेव हो जाएगा। इसी प्रकार से आप यहाँ से सभी इमेज को डाउनलोड कर सकते हो। और इसी प्रकार की इमेज को क्रिएट करने के लिए मैं दो प्रॉम्प्ट दूंगा, एक बॉयज के लिए और एक गर्ल्स के लिए। तो आपको वो प्रॉम्प्ट कहाँ पे मिलेगा चलिए मैं बताता हूँ। तो उसके लिए आपको यहाँ से बैक हो जाना है और आपसे लोग मेरे वीडियो को अभी जहाँ पे देख रहे हो तो यहाँ पे व्यूअर्स आपको इस प्रकार का लोगो देखने को मिल जाता है मेरे चैनल का, आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हो तो आपके पास इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ पे आपको तीर का निशान दिख रहा होगा, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे एक चैनल का लिंक दिख जाएगा, आपको इस व्हाट्सअप चैनल पे आपको क्लिक कर लेना। तो आपके पास इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा और व्यूअर्स यहाँ पे देख सकते इस प्रकार का ऑप्शन है, आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हो तो आप सभी लोगों को यहाँ पे अपने व्हाट्सअप को सिलेक्ट कर लेना और इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हो तो आप सभी लोग इस प्रकार से आ जाओगे और यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे आप सब के लिए प्रॉम्प्ट दिया हुआ है। अगर आप से लोग बॉयस हो तो आपको क्या करना है, इसे आपको कॉपी करना है और अगर आप से लोग गर्ल्स हो तो आपको यहाँ पे ये वाला प्रॉम्प्ट को कॉपी करना है। तो चलिए बस मैं यहाँ पे गर्ल्स के लिए ही दिखाता हूँ। तो उसके लिए आपको इस पे लॉन्ग प्रेस करना है। जैसे ही लॉन्ग प्रेस करते हो तो लॉन्ग प्रेस करते के साथ ही यहाँ पे इस पे ब्लू का टिक लग जाएगा। तो आपको इसका टिक लगने के बाद यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन दिख जाएगा, आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे आपका प्रॉम्प्ट कॉपी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से आपको बैक हो जाना है और यहाँ से अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको सर्च वाले पे क्लिक करना और यहाँ पे आपको लिखना है बिंग इमेज क्रिएटर और इसे सर्च करने के बाद यहाँ पे फर्स्ट वाले वेबसाइट पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको एक नया इंटरफेस आ जाएगा और इसके बाद आपको यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करना है। जैसे लॉन्ग प्रेस करते हो तो यहाँ पे जो पेस्ट लिखा हुआ आ रहा है इस पे आपको टैप करना है। तो इस पे क्लिक करते के साथ ही यहाँ पे देख सकते किस तरह से प्रॉम्प्ट पेस्ट हो चुका है। इसके बाद यहाँ से अपने नेम को चेंज करके और यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे देख सकते हो जो कि एक लिखा हुआ है क्रिएट, आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हो तो यहाँ से आपका इमेज क्रिएट होकर आ जाएगा। तो व्यूअर्स आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जो बताएगा, और अगर आपसे लोग भी चाहते हो कि इस प्रकार की नई नई जानकारी आप सब तक सबसे पहले पहुंचे तो आपसे लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ रखिएगा। तो चलिए व्यूअर्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।